चलिए आज हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो जॉब का न्यू अपडेट आया है उसके बारे में हम लोग आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने हाइलाइटर ले लिया। अब देखिए आपका ये उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जॉब अपडेट है जिसमें आपको टोटल असिस्टेंट अकाउंटेंट का पोस्ट निकल के आया है। 79 है UR के लिए, EWS के लिए 18 है, OBC के लिए 47 है, SC ST के लिए 37 है और अनुसूचित जनजाति ST के लिए 5 है। ये पोस्ट जो है ना उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड बिजली विभाग के लिए है, उत्तर प्रदेश का, यूपी का। इसमें आप लोग अपना आवेदन कर सकते हैं। आपके पास क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से कॉमर्स होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए कॉमर्स से, तो आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। दिनांक की बात करें तो 1/7/2022 के न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। कहने का मतलब है कि आपका एज मिनिमम 21 होना चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चयन प्रक्रिया की बात करें कि किसी भी स्टूडेंट का इसमें चयन कैसे होगा, तो उसके लिए आपको CBT देना पड़ेगा, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में जो पहला भाग है ना आपका, वो कंप्यूटर ज्ञान के बेसिस पर होगा जिसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक प्रश्न का मार्क्स 1 होगा। यदि आप गलत जवाब देते हैं तो 1/4, मतलब एक क्वेश्चन का गलत जवाब देने पे 1/4 मार्क्स कट हो जाएगा, अर्थात 4 क्वेश्चन गलत बना के आइएगा तो 1 मार्क्स आपका निगेटिव हो जाएगा। ये आपका है CBT 1। और मैं बता दूं CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है कि आप क्वालिफाई कर जाइए और जॉब प्रोसीडर में इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। दूसरा एग्जाम आपसे फिर से लिया जाएगा जिसका CBT 2 का सिलेबस निम्नलिखित है। ये आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी से क्वेश्चन रहेगा, अर्थमेटिक्स से रहेगा, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से रहेगा। ठीक है, अकाउंटेंसी का सिलेबस कुछ इस प्रकार है, आप लोग देख लीजिए। ये है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, ये आपका सिलेबस है, बिल एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग, ये सारा जो अकाउंट पढ़ते हैं उनके लिए है, ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, डबल अकाउंट सिस्टम, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स का भी है सिलेबस आपका। तो ये आपका CBT 2 से जो एग्ज़ाम होगा ना क्वालिफाइंग के बाद, उसमें ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इस सब सब्जेक्ट से। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 150 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक की अतिरिक्त कटौती की जाएगी। अब देखिए बता दूं कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग के प्रश्न पत्र में अर्जित अंक मेरिट निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। कहने का मतलब है कि आपसे 2 एग्जाम लिया जाएगा, 2 एग्जाम आपसे लेगा टोटल। ये देखिए 2 एग्जाम लेगा, पहला जो CBT 1 ले रहा है वो कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, अगेन आपसे लिया जाएगा आपके ब्रांच से। ठीक है, मेन आपका ब्रांच है, ब्रांच में भी 1/4 आपका निगेटिव है। परीक्षा स्थान जो है ये परीक्षा वालों पे डिपेंड करता है, ये बदल भी सकता है। ठीक है, जनरली आपका ये लखनऊ, मेरठ, आगरा एवं वाराणसी के शहरों में मिलेगा। अब नंबरों पे स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कहाँ कहाँ जा सकता है। अब फीस की अगर हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो आपका नॉर्मल है 826 लगेगा SGST के साथ। ये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए। EWS की बात करें, UR OBC और EWS, तो इसको जो है टोटल फीस आपका 1180 रुपया लग जाएगा और जो विकलांग है उसको पूरा फ्री नहीं है, 12 रुपया चार्ज लग जाएगा। ठीक है, ये आप आवेदन कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट www.uppcl.org पर। ठीक है, वहाँ से आप इसे आवेदन आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको और फॉर्म सबमिशन के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो ये फॉर्म जो है ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा आपका 8 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक है। ठीक है, आप पेमेंट भी 8 नवंबर से 28 नवंबर तक कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग से दिया गया है। और ऑनलाइन CBT परीक्षा का संभावित अवधि जो है जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह, मैंने पहला CBT 1 एग्जाम जो है आपका जनवरी 2023 के द्वितीय सप्ताह में हो सकता है, ये संभावित है। ठीक है, चलिए थैंक यू, आज के इतना ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल से सबसे पहले जॉब अपडेट पाने के लिए।